हेलो दोस्तों, मैं हूं जद और स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से जीमेल अकाउंट को कैसे रिमूव कर सकते हो। अगर आपने जीमेल अकाउंट बनाया है, उसको आप रिमूव करना चाहते हैं अपने मोबाइल से, तो इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आप अपने मोबाइल में से जीमेल अकाउंट को कैसे रिमूव कर सकते हैं। सो सबसे पहले आपको अपना सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग ओपन करने के बाद स्क्रॉल करके आपको अकाउंट लिखा हुआ है, इस पर चले जाना है। यहाँ अकाउंट लिखा हुआ होगा, गूगल के नीचे कभी भी अकाउंट लिखा रहता है तो आप गूगल देख लें, उसके नीचे देखेंगे तो यहाँ अकाउंट्स लिखा होगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपका जो भी अकाउंट्स होगा वो सभी आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको गूगल पे क्लिक करना है। गूगल पे क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे जीमेल अकाउंट है, इसके लिए बहुत सारे दिखा रहे हैं। अगर आपके पास एक होगा तो एक ही दिखाएगा, तो आपको यहाँ जीमेल पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ 3 डॉट दिख रहा है, मोर लिखा हुआ है यहाँ नीचे, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ 2 ऑप्शंस मिलते हैं, यहाँ रिमूव अकाउंट, आपको रिमूव अकाउंट पर क्लिक कर देना है। फिर से आपको रिमूव अकाउंट मांग रहा है, फिर रिमूव अकाउंट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप दोबारा रिमूव अकाउंट पर क्लिक करेंगे, ये जो हमारा अकाउंट था, अभी हमारे अकाउंट को रिमूव हो चुका है। इसमें जो हमने अभी रिमूव किया है वो अकाउंट यहाँ से गायब हो चुका है, देख सकते हैं यहाँ से रिमूव हो चुका है। सो इसी तरह आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में से जीमेल अकाउंट को रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे इसके लिए दिखा रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास मोबाइल में एक होगा तो वो डिलीट हो जाएगा, यानी कि रिमूव हो जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहें तो उसको दोबारा से लॉगिन कर सकते हैं जीमेल से और पासवर्ड से। अगर आपको जीमेल और पासवर्ड पता होगा तो आप दोबारा लॉगिन कर सकते हैं। सो इसी तरह आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल से जीमेल अकाउंट को रिमूव कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।